हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ डोमिनिक राइडर एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली स्टनिंग टुडे। सो गाइज, बाय द टाइटल एंड थंबनेल ऑफ दिस वीडियो एंड द लेस एनर्जेटिक वे इन विच आई एम स्पीकिंग टुडे, यू गाइज माइट हैव गेस्ड व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। सो यस गाइज, आई हैड अ माइनर एक्सीडेंट विथ माई बजाज डोमिनर 400 एंड मुझे तो कुछ नहीं हुआ बट बाइक में काफ़ी सारे डैमेजेस हुए हैं गाइज। सो एक्चुअली मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था बिकॉज थोड़ा मूड ख़राब है क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेवल ओसीडी है। मतलब मेरे बाइक में थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ एंड मुझे तुरंत उसको ठीक करवाना है एंड मुझे बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा नहीं लगता अगर मेरे बाइक में छोटा सा स्क्रैच भी आए तो। बट वीडियो बनाने का एक ही मेरा मोटिव है गाइस, क्योंकि द थिंग इज़ दैट थ्रू माय वीडियोस आई ट्राई टू टेल यू गाइस अ स्टोरी। ईच वीडियो आई ट्राई टू टेल यू गाइस अ स्टोरी एंड आई फील दैट द की पॉइंट इन एनी स्टोरीज इज कॉन्टीन्यूटी। अगर कॉन्टीन्यूटी अगर नहीं रहा तो स्टोरी का कुछ पॉइंट नहीं रहा। सो द थिंग इज़ दैट इन एवरी वीडियो यू आर सीइंग माई बाइक इन अ सर्टेन वे। सो अगर बाइक में अगर कुछ मेजर चेंज है एंड मैं वो वीडियो में एड्रेस नहीं करता हूँ तो इट इज़ लाइक अ अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक अ ब्रेकेज इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ माई वीडियोज। सो मैंने सोचा कि ठीक है बना ही लेते हैं। एंड गाइज, ये वीडियो मैं बिल्कुल भी रॉ बनाने वाला हूँ। दिस वीडियो विल नॉट बी इन द टिपिकल डोमिनिक राइडर स्टाइल। जैसे मैं यूजुअली वीडियोज बनाता हूँ, आई ट्राई टू मेक माई वीडियोज इन अ फनी एंड इन अ फनी वे ताकि आप लोगों को वो एंटरटेनिंग लगे। सो ये वीडियो बिल्कुल भी रॉ जाने वाला है ताकि यू गेट द की पॉइंट्स इन द वीडियो जो मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। तो पहले एक बार बाइक दिखाने से पहले या फिर पूरा सीनेरियो अच्छे से डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक बार एक बैकग्राउंड देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो एक्चुअली आई हैड मेड अ परचेज रिगार्डिंग माई बाइकिंग एंड स्टाफ। सो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने कल सुबह बाइक निकाला था। मैं पहले जिम गया, उसके बाद मैं जो नया जो परचेज था उसको मैं टेस्ट करा था, उसके बाद आई वॉज रिटर्निंग बैक होम। सो द थिंग इज़ कि पूरे रास्ते कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड जस्ट घर घुसते समय, हम लोग के घर में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी नीचे जाके, द थिंग इज़ दैट क्या है कि एक स्लोपिंग एरिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, पहले मुझे बाइक उसमें चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्लोपिंग था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि उसमें एक स्ट्रक्चर बना दिया था यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट ताकि बाइक ईजिली उसके ऊपर से जा सके। तो द थिंग इज़ कि उसके साइड में एक एंगुलर पार्ट है जहाँ उसके साइड में एक्चुअली मेरा जो पीछे का जो टायर है, इट वाज एक्चुअली माय मिस्टेक, मैंने वो एंगल ठीक से जज नहीं किया था। तो क्या हुआ कि मेरा जो पीछे का जो टायर है वो उस साइड में घुस गया था। मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ एक्चुअल सिनेरियो क्या हुआ था। एंड मेरा बाइक पूरा डिसबैलेंस हो गया था, ठीक है। एंड इस बाइक का वेट इतना ज़्यादा है, इट्स लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 187 kgs एंड उसके ऊपर से आई हैव क्रैश गार्डन ऑल, तो उसका वेट ईजिली क्लोज टू 200 या फिर इवन बियॉन्ड 200 है उसका वेट। तो मैं वेट संभाल ही नहीं पाया, ठीक है, इतना ज़्यादा भारी है। तो वो साइड में एक वॉल था तो उसमें जाके पूरा बाइक गिरा एंड बहुत सारे डैमेजेस हुए गाइस। मैं अभी मैं नीचे जाता हूँ एंड मैं आपको पूरा बाहर का एरिया भी दिखाता हूँ, मेरे घर के बाहर का एरिया जहाँ पे ये पूरा सिनेरियो हुआ है, एंड मैं आपको बाइक भी दिखाता हूँ। एंड द थिंग इज़ दैट उस टाइम मेरे पास GoPro नहीं था क्योंकि एज आई सेड आई वाज जस्ट टेस्टिंग द न्यू परचेज। तो ऐसा GoPro पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। एंड उस मोमेंट में ऐसा एक मेंटल स्टेट मेरा नहीं था कि मैं फ़ोन निकाल के शूट करूँ, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है। आप पहले द शॉट्स दैट आई हैव टेकन आर बेसिकली रिगार्डिंग कि बाइक में क्या क्या डैमेजेस हुए, वो भी बहुत स्कैटर्ड मैनर में, ठीक है। तो चलिए आप पहले वो वाले फुटेजेस देख लीजिए एंड उसके बाद मैं नीचे जाके पूरा सीनेरियो पहले डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। एज आई सेड कि मेरे बॉडी में ऐसा कोई हार्म या फिर कोई कट या कुछ भी नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल इंजरी इन माई लेग जो कि बहुत ही ज़्यादा माइनर है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि कैमरा में वो कैसा दिखेगा, बट फिर भी एक बार इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू एवरी
साइड ऑफ द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिनेरियो। सो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो भी। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक हल्का सा स्क्रैच है, तो ये मुझे कल ही हुआ था उस टाइम, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, बस इतना सा ही एक माइनर सा स्क्रैच मुझे लगाया गाइज। बट द डैमेजेस दैट हैव हैपेंड टू द बाइक दे वेर नॉट माइनर, लाइक एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू। सो जब कल जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके जस्ट आई डिड नॉट इवन स्पेंड 5 मिनट्स इन थिंकिंग व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। मैंने बस मेरे घर के सामने ही हुआ था, ठीक है, एंड मैंने तुरंत विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग मैंने बाइक घुमाया एंड मैं सीधा चला गया OSL बाजार। जाने से पहले मैंने एक बार उनको कॉल कर लिया था कि ये डैमेज हुआ है, तो उनके पास पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं। तो आई वॉज़ रियली लकी कि उनके पास सारे पार्ट्स अवेलेबल थे एंड मैं तुरंत उसी टाइम मैं घर पर घुसा भी नहीं समय उस इन दैट मेंटल स्टेट ओनली आई टुक माई बाइक। सो द थिंग इज दैट आई ट्रीट एवरीथिंग इन माई बाइक लाइक अ टिश्यू, लाइक कुछ भी थोड़ा बहुत खराब हुआ है मैं निकाल के फेंक के उसको ठीक करवा लेता हूँ। आई नो लाइक मतलब आई नो इट माइट साउंड लाइक अ वेरी प्रिविलेज स्टेटमेंट कि जब भी कुछ भी होता है मैं उसको खोल मतलब उसको चेंज करवा लेता हूँ तुरंत, मैं रखता नहीं हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट टू पोर्ट्रे दिस एज अ प्रिविलेज स्टेटमेंट और समथिंग लाइक दैट। मे बी बहुत ही मिडिल क्लास घर से आता हूँ एंड मेरा भी उतना ज़्यादा मतलब अभी अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मेजर कुछ हो जाता तो ऑब्वियसली आई वुड ऑल्सो हैव टू वेट और आई हैव टू क्लेम इंश्योरेंस, बट भगवान के कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस ये जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ है ये बेसिकली इसी पोर्शन में हुआ है जो मैं बता रहा था। दिस इज बेसिकली द एंट्रेंस टू माई हाउस एंड अगर आपको दिख रहा है दिस इज द स्लोपिंग पार्ट एंड इसमें हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। एंड इसके बाजू में अगर आप देखेंगे ये जो एंगुलर पार्ट है ना, यहाँ पे बेसिकली मेरा जो पीछे का टायर है ये फंस गया था, ठीक है, मैं एंगल ठीक से जज नहीं कर पाया था। यहाँ पे जो वॉल दिख रहा है आपको साइड में, तो इस वॉल में आके पूरा मेरा जो बाइक है वो गिर गया था एंड यहाँ पे मेरा बाइक ऐसे गिरा था एंड इसका वेट जो मैंने पहले भी बोला इसका वेट इतना ज़्यादा है तो मैं इसको उठा भी नहीं पा रहा था, ठीक है। तो रास्ते से एक बहुत भले आदमी जा रहे थे एंड बाइक ही स्टॉप्ड हिज बाइक एंड ही एक्चुअली हेल्प मी पिकअप द बाइक। उनके अलावा मैं तो अकेले मैं बहुत बार कोशिश कर रहा था मैं उठा ही नहीं पा रहा था, इसका वेट इतना ज़्यादा है गाइस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा ये बजाज डोमिनार के साथ जो स्टॉक विंडशील्ड आता है वही लगा हुआ है। मुझे इसका लुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है गाइस, बट क्या कर सकते हैं, मेरा जो नया बबल वाइजर था वो पूरा टूट गया है, उस पर मैंने स्टिकरिंग भी करवाया था, सब कुछ अभी वेस्ट हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं गाइस। आप देख सकते हो ये टूटा हुआ है मेरे हाथ पे। नेक्स्ट जो डैमेज हुआ था वो है ये क्लच लीवर, मेरा क्लच लीवर टूट गया था, लाइक बाहर से तो नहीं टूटा था बट तो अंदर का इसका जो मैकेनिज्म रहता है वो पूरा ख़राब हो गया था एंड ये ऊपर जो रबर का जो पोर्शन रहता है ये भी पूरा मतलब पूरा टियर हो गया था, तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ा। एंड द नेक्स्ट बिग डैमेज उससे वो था कि ये जो राइट हैंड साइड का आपको जो डैशबोर्ड का जो डैशबोर्ड जो दिख रहा है जहाँ ये जो मेन स्क्रीन उसके बाजू में ये पार्ट पूरा फट के पूरा एक ओपन हो गया था, वाइड ओपन हो गया था, तो इसको भी फिर सर्विस सेंटर वाले ने फिर ठीक किया पूरा। एंड द मेन थिंग दैट आई वुड से गाइस कि ये जो मेरा जो क्रैश गार्ड है ना, इसके वजह से मेरा बाइक का जो बॉडी है वो बॉडी पैनल्स वगैरह बच गए। अगर आपको दिख रहा होगा ये जो क्रैश गार्ड है ये पूरा बेंड हो गया था गाइस, ये अभी जो मैंने बोला था कि कुछ कुछ चीज़ें है जो पंक्चर शॉप वालों से करवाना पड़ता है, तो ये जो चीज़ है ये पूरा बेंड होके ये अंदर चला गया था। अगर आप फिर पंचर शॉप वालों ने किया कि इसको गर्म करके फिर इसको बाहर खींच के ये फिर से पहले जैसा किया, बट ये फिर भी पहले जैसा नहीं हुआ है। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ ये आपको दिखेगा ये थोड़ा बेंड है, ठीक है। एंड जब इस पर जब प्रेशर पड़ा था एंड ये जब अंदर की तरफ गया था तो क्या हुआ है कि अगर आपको दिख रहा होगा ये जो रेडिएटर ग्रिल जो है सिल्वर कलर का, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पोर्शन है, उसको बोलते हैं रेडिएटर फेयरिंग, ठीक है। ये रेडिएटर फेयरिंग भी पूरा टूट गया था, बट मेरा किस्मत बहुत अच्छा था कि OSL बाइक के पास इसका स्टॉक था तो उन्होंने ये चेंज कर दिया। तो गाइस ये जो क्रैश गार्ड है ना ये लाइक मैंने एक महीना पहले ही लगाया था एंड ये मुझे मतलब काफ़ी बुरा लग रहा है कि एक महीने के अंदर अंदर ये इतना डैमेज हो गया। तो अगर मैं दोनों साइड का आपको एक साथ दिखाऊँ तो आप शायद समझ पाओगे। तो अगर आप देख पाओगे कि राइट हैंड साइड वाला जो है ये एक लाइक इवन वे में आ रहा है, ठीक है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना ये थोड़ा अभी भी मतलब उन्होंने इसको गर्म करके बाहर की तरफ खींचा तो है, बट फिर भी ये पूरा इसका जो शेप है ये पूरा पहले जैसा नहीं हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा ही अंदर की तरफ अभी है, बट क्या कर सकते हैं। बट इसके दिस थिंग सर्व द पर्पज, अगर ये नहीं होता तो मेरे जो बॉडी है जो पैनल में अगर देख सकते हो एक भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा ही स्क्रैच गार्ड की वजह से। तो
आई वुड लाइक टू गिव अ ग्रेट शाउट आउट टू हाइपर राइडर्स फॉर बिल्डिंग सच स्टर्डी मटेरियल क्रैश गार्ड। तो ये इंसिडेंट होने के बाद तुरंत मैं अपने बाइक को सर्विस सेंटर लेके चला गया, व्हिसल बजा जोका एंड दे डिड अ फेनोमिनल जॉब गाइस। उन्होंने लाइक 2-3 घंटे में मेरा बाइक पूरा नया जैसा बना दिया। सो गाइस दैट वाज ऑल द डैमेजेस दैट हैड हैपेंड टू माय बाइक एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अभी जो है वो स्टॉक विंडशील्ड लगा हुआ है। अगर उसके बदले अगर अभी कोई बबल वाइजर में लगाता हूँ तो देख के कोई भी नहीं बोल सकता है गाइस कि बाइक में कुछ भी हुआ है। लाइक ऑब्वियसली द जो क्रैश गार्ड का जो थोड़ा सा बेंड पोर्शन है वो है, बट द थिंग इज़ दैट वो मुझे पता है दिस इज़ माई बाइक, मैं उसको हर रोज़ देखता हूँ तो मैं ही वो नोटिस करूँगा। लाइक इफ अ थर्ड पर्सन सीज द बाइक दे वुडंट इवन नोटिस दैट क्रैश गार्ड थोड़ा सा बेंड है या कुछ भी है। द मेन क्वेश्चन कि मुझे खर्चा कितना पड़ा राइट, एंड बिफोर दैट गाइस प्लीज़ डू forgive my sweaty condition, it's the temperature is scorching today and the thing is that मैं अभी हॉल पर शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है ताकि विंड का नॉइज़ ना आए, एंड यहाँ पर ए सी नहीं है, हॉल में ए सी नहीं है, एंड दिस इज़ आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट 4:30 PM इन संडे आफ्टरनून। सो अभी रूम में मेरे मम्मी पापा माई एंड इन द अदर रूम माई सिस्टर ऑल असलीप, तो मैं अभी रूम में शूट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ए सी होगा, तो या आई एम लाइक स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। सो या गाइज कमिंग टू द मेन क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट बी हैविंग कि मुझे टोटल खर्चा कितना पड़ा, तो अगर ओएसएल बजाज जो कि बजाज का सर्विस सेंटर है तो उसका अगर बात करें तो उसमें मेरा टोटल बिल हुआ है अराउंड 1500 rupees, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मैंने अपने दोनों फ्रंट एंड बैक टायर्स के ब्रेक शूज़ मैंने चेंज किया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सो द ब्रेक शूज़ टुगेदर दे कॉस्ट अराउंड 500 rupees, तो इफ़ वी नेग्लेक्ट दैट सो सिर्फ डैमेजेस के लिए जो भी नट्स पैनल्स वगैरह जो भी लगे हैं ठीक है, तो द रेडिएटर फेयरिंग द लेबर कॉस्ट सब कुछ मिला के लाइक 1000 rupees इन ओएसएल बजाज एंड 500 अदर देन दैट बिकॉज आई चेंज माई ब्रेक शू, बट आई एम नॉट काउंटिंग दैट बिकॉज वो डैमेज नहीं था, वो मुझे चेंज करना ही था राइट। तो वहाँ पे अगर हम 1000 पकड़ते हैं एंड फिर पंक्चर शॉप में उन्होंने मुझसे लिया अराउंड 350 rupees, क्योंकि उनको पहले क्रैश गार्ड निकाल के उसको गर्म करके उसको बेंड करके फिर उनको फिटिंग वगैरह सब कुछ मिला के उन्होंने 350 लिया, विच आई थिंक इज़ वर्थ इट बिकॉज मैं था वहाँ पे, मैंने देखा कि कितना एफर्ट उनका लगा है, कितना टाइम लगा है। इट वॉज नॉट ईजी गाइज, ट्रस्ट मी वेन आई से दिस गाइज, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। द क्वालिटी ऑफ द क्रैश गार्ड इज सो नाइस एंड इट इज़ सो स्टडी दैट उसको गर्म करके भी बेंड करके लाइक इट वॉज वन हेल ऑफ अ टास्क गाइज, मैंने देखा है। तो दे टुक 350 rupees फॉर इंक्लूडिंग ऑल द फिटिंग चार्जेस एवरीथिंग, सो विच आई फील इज़ टोटली वर्थ इट। तो टोटल मिला के आई वुड से दैट अराउंड 1350 rupees मेरा कॉस्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ ऑल द डैमेजेस दैट माई बाइक हैज़ इनकर्ड येस्टरडे। सो या गाइज, सो गाइज दैट इज़ ऑल दैट आई हैड टू से फॉर दिस वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था गाइज। For whatsoever reason, I hope that you have found this video informative and entertaining. And अगर आपको मेरा content अच्छा लगता है guys, तो please do consider subscribing to my channel. It will act as a motivation for me and it will motivate me a lot to make quality videos for you guys in the future. And do follow me on Instagram also guys, क्योंकि daily updates जो होते हैं वो मतलब daily and instant updates जो वो Instagram में मैं दे देता हूँ, तो please do follow me on Instagram as well guys. So guys, मिलते हैं अभी next video में, till there take care and bye bye.